बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही साइबर अपराध का ग्राफ भी आए दिन बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता साइबर अपराध पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जन जागरूकता सहित तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, लेकिन बावजूद इसके साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में करीब 21,000 मामले दर्ज किए गए हैं। SSP STF आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा बृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साइबर अपराध के मामलों पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, ताकि साइबर अपराध के मामलों में कमी आ सके और आम लोगों को जागरूक भी किया जा सके। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष को देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 21,000 साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स ऑल ओवर स्टेट आई थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फिगर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके लिए कई सारे फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अवेयरनेस का है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जितना जल्दी अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप इस प्रकार की किसी भी फिशिंग कॉल से या फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारा आस्पेक्ट है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं वो अवेयरनेस का है। तो उसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम हमारे द्वारा स्कूल कॉलेजेस में किए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही हमारी जो STF के अंडर में CCPS की टीम है वो लगातार इसमें जो साइबर क्राइम के केसेस में ऑर्गेनाइज लेवल पर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बड़े केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, खुलासे किए जा रहे हैं। हमारी टीम्स लगातार ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह से साइबर ठगों को पकड़ कर ला रही हैं, तो एक डेटरेंस का भी माहौल वहाँ से पैदा होता है। तो हर फ्रंट पर हमारे लोग साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए लगे हुए हैं और एक लंबी लड़ाई है, इसमें समय लगेगा और सभी आमजन के सहयोग से उनकी जागरूकता से इसको कंट्रोल किया जा सकता है।